दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको कौन सी जॉब ऐसे होते हैं जो आपको सर्च करने हैं, तो मैं उस पर वन बाई वन जो है वीडियोज बनाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत अच्छे कमेंट्स उस पर मुझे मिले, तो आज जो है मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और इवन मैं डेमो भी दिखाऊँगा आपको कि किस तरीके से आपने जो है दुबई जॉब में ये स्कूल के जॉब सर्च करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये स्कूल में क्या जॉब होते होंगे, तो तकरीबन 10-15 प्लस जॉब्स होते हैं स्कूल में जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, टीचर्स की पोस्ट होती है, क्लास टीचर की पोस्ट होती है, पीटी टीचर जो फिजिकल स्पोर्ट टीचर होते हैं वो पोस्ट होती है, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर हो गए, अरबिक हो गए, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर हो गए, फिर आर्ट टीचर की पोस्ट होती है, उसके बाद ड्राइवर्स यहाँ पे लगते हैं। देखो दोस्तों, ऑफिस में स्कूल में जो भी बस चलानी होती है, स्कूल बस, उसके लिए भी ड्राइवर्स लगते हैं। इवन दूसरे कामों के लिए भी स्कूल में ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्यून की ज़रूरत होती है जो क्लरिकल काम करे, प्यून का काम करे। ऑफिस बॉय की ज़रूरत होती है जो यहाँ से वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के लिए ऑफिस बॉय की ज़रूरत होती है। उसके बाद बस अटेंडेंट की ज़रूरत होती है स्कूलों में। बस अटेंडेंट मतलब जो बच्चे घर पे छोड़े जाते हैं या घर से पिक किया जाता है बस में, तब उस टाइम पे एक बस में एक बंदा होता है स्कूल का जिसको बस अटेंडेंट कहा जाता है, जो पर्सनली बच्चों को नीचे उतारता है या बस में लेके अपनी सीट पर छोड़ता है। तो ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, उसको बस अटेंडेंट कहा जाता है। उसके बाद एचआर के पोस्ट होते हैं स्कूल में, उसके बाद एचआर असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं स्कूल में, उसके बाद क्लरिकल, काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं स्कूल में। उसके बाद रिसेप्शन के लिए बंदा चाहिए होता है, रिसेप्शन का पोस्ट होते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट, जो काफ़ी लोग मुझे पूछते थे कि सर अकाउंट पर कुछ वीडियोस बनाओ, तो अकाउंट के भी पोस्ट जो है वो स्कूल में होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशंस के काफ़ी सारे जो है वैकेंसी स्कूल में होती रहती है, ठीक है। अब ये सारी वैकेंसीज मैंने आपको बोली है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में होती है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर स्कूल के जॉब सर्च कैसे करनी है या स्कूल की वेबसाइट कैसे सर्च करनी है। तो अभी जो है मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। इससे आगे जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों, वो आपने ध्यान लगाकर ठीक से देखने हैं, उसको स्किप नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है या फास्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ आपको, जिसको आपको बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। और मैं कुछ स्क्रिप्ट बना के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, ताकि कभी कभी क्या होता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही बोल देता हूँ या कभी आखिर में बोल देता हूँ या कभी बीच में बोल देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा अपना बहुत ध्यान लगा कर देखिए। जो भी मैंने अभी पोस्ट आपको बताई है इस रिलेटेड, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो दुबई में स्कूल में पूरे यूएई में, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये जॉब आप इंडिया बैठकर अपने मोबाइल से सर्च कर सकते हो, अगर आप दुबई में हो तो दुबई में बैठकर भी ये सर्च कर सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो के साथ लगे रहिए, फिर हम लोग एक बार बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग सर्च करेंगे गूगल में किस तरीके से आपको दुबई की जो है स्कूल में जॉब्स कौन सी मिलती है और कैसे मिलती है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा शौक लगेगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, दुबई में इतनी सारी जॉब्स होती है स्कूल में, मतलब आपको अलग अलग जगह पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, प्रिंसिपल की वैकेंसीज होती है स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल की होती है, टीचर्स की होती है, क्लास टीचर की होती है, पीटी टीचर, आर्ट टीचर, आर्ट टीचर में मतलब जैसे कि हो गया ड्राइंग आ गया इस तरीके से। उसके बाद बस अटेंडेंट होते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद एचआर की पोस्ट होती है, एचआर असिस्टेंट की पोस्ट होती है, क्लरिकल पोस्ट होती है, रिसेप्शन की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी पोस्ट होती है, ड्राइवर की, प्यून जिसको चपरासी कहा जाता है या वॉचमैन की भी पोस्ट होती है, और ऑफिस बॉय की पोस्ट होती है। तो इतने सारे जॉब्स जो है वो आपको स्कूल के अंडर जो है मिल जाएंगी। काफ़ी सारे लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के जॉब के लिए जो है
वो कंपनी को टारगेट करते हैं या अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कंपनी को टारगेट करते हैं, तो वो पोस्ट स्कूल में भी अवेलेबल होती है। ठीक है, बस मेरा बताने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि स्कूल में अगर आप जाते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको टीचर की ही जॉब या प्रिंसिपल की ही जॉब होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप जो है डूबीलिंक्स मेरी एक वेबसाइट है, वो उस पे भी आप सर्च कर सकते हैं, DUBILINKS डूबीलिंक्स.com। ये वेबसाइट अगर आप सर्च करते हो तो इस पे भी मैं काफ़ी सारी वैकेंसी जो है वो हर टाइम यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। इसका भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही मेरे पास कुछ वैकेंसी जाती है तो मैं इसमें पोस्ट करते रहता हूँ, तो इस पर भी आप नज़र बना के रखिए। जैसे कस्टमर सर्विस स्किल, अभी जो मैंने कुछ वैकेंसीज यहाँ पे डाली थी और बहुत सारा आपको यहाँ पे कुछ दिखने का मिलेगा। चलो ठीक है, मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको सिखाऊँगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आप दुबई में स्कूल की जॉब सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद एक सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक एडवांस तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो आप स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल तरीका बताता हूँ जो आपको भी पता होगा। कभी भी जॉब सर्च ना करें, स्कूल जॉब्स अगर आप सर्च करते हो तो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। स्कूल जॉब आप सर्च करते हो तो कभी भी स्कूल्स नहीं आएंगे। ठीक है, इंडीड आएगा या इस तरीके से जॉब प्रोवाइड करने वाली जो भी वेबसाइट्स है उनकी वेबसाइट खुलती है। तो आपने कभी भी जो है स्कूल जॉब्स नहीं सर्च करना है, स्कूल्स इन दुबई सर्च कीजिए। ठीक है, आपने मैं पहले से दिखाता हूँ आपको, जाओ स्कूल्स इन दुबई। इस तरीके से जब आप करते हो तो आपको जो है काफ़ी सारे स्कूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपने वन बाय वन, अभी मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, ये स्कूल जो है ये ओपन करता हूँ, ये स्कूल। चलो दूसरा देखते हैं, जेम्स एजुकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्कूल ओपन हो गया। स्कूल ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे करियर का पेज कहाँ पे है। तो करियर के पेज पे जाइए, करियर के पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे करंट वैकेंसीज में जाना है। तो यहाँ पे जो जाने के बाद आपको जो भी है वो करंट वैकेंसी जो है उनके स्कूल जितने भी है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनके कौन से वैकेंसीज अभी है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। समझ लीजिए आप टीचिंग रोल के लिए सर्च कर रहे हो तो टीचिंग के लिए सिलेक्ट कीजिए, नॉन टीचिंग हो तो नॉन टीचिंग कीजिए। नॉर्मल मैं नॉन टीचिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी ऐसे वन बाय वन मिल जाएगी। लोकेशन में आपको डालना है यूएई, जो भी है आप इस तरीके से जॉब सर्च करने हैं आपने। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा था कि मैं एक थोड़ा सा एडवांस तरीका भी आपको बताता हूँ, मतलब जॉब्स इन दुबई आप कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जॉब्स इन अबू धाबी कर सकती है, कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको स्कूल्स इन अबू धाबी करना है तो इससे क्या होगा, स्कूल्स के ही वेबसाइट आपके सामने आएंगे दोस्तों। स्कूल्स छोड़ के कोई वेबसाइट आपको नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका जो भी रिज्यूम होगा वो आपने बहुत अच्छा बनाना है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, आपका रिज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिंपल तरीके से एक रिज्यूम बनाकर आप अगर भेज रही हो आगे किसी कंपनी स्कूल में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद आप इस तरीके से वन बाय वन स्कूल ओपन कीजिए। अगर उनका करियर का पेज आपको नहीं मिल रहा है तो आप उनके कॉन्टैक्ट अस पेज में भी जाकर चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से हर स्कूल का करियर पेज होता ही होता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला है, देखिए यहाँ पे करियर पेज मैंने अबू धाबी इंटरनेशनल स्कूल का ओपन किया, तो इन्होंने कहा है जो भी आपका रिज्यूम है वो इस ईमेल पर आपने सर्च कर सेंड कर देना है, रिज्यूम एट इस तरीके से। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट जो है वो एक स्कूल में होती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तकरीबन 10 से ऊपर ये पोस्ट है। ठीक है, बस अपना रिज्यूम आपने अच्छा बनाना है। अगर आपको अच्छा सा अगर नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स अच्छे से, तो समझ लीजिए कि
दाल में कुछ काला है, आपका रिज्यूम सही से नहीं बना, ठीक है। दोस्तों अभी थोड़ा सा आप लोग भी घर पे होते हो, जैसे कोरोना के हालात है इंडिया में, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पर्सनल प्रोग्राम भी स्टार्ट करूँ, ताकि पर्सनली मैं लोगों को थोड़ा सा सिखाऊँ कि किस तरीके से दुबई में जॉब सर्च करना है पर्सनली। लाइक मैं 10-15 लोगों की एक बैच बनाऊँगा और उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट में आप बताइए कि आपको ये अच्छा लगा है क्या, ठीक है। तो मैं इस पर सोचूंगा और मैं सोच कर स्टार्ट कर देंगे हम लोग इसको भी जल्दी से, ठीक है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि आपने गूगल ओपन करना है, गूगल में sch.ae इस तरीके से सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में आपको पता होगा, इंडिया में जो है ac.in इस तरीके से वेबसाइट्स होती है इंजीनियरिंग कॉलेज की, ठीक है। तो इस तरीके से जो दुबई के जो रजिस्टर्ड स्कूल है उनके सब के वेबसाइट sch.ae होते हैं, ठीक है। तो sch.ae अगर आप यहाँ पे देती हो गूगल में आप देते हो, तो आपको गूगल गूगल क्या करेगा, जो वेबसाइट मतलब होता है ना जेन्यून वेबसाइट, जो रजिस्टर्ड वेबसाइट स्कूल्स है, तो वही आपको दिखाएगा। लाइक देखिए मैंने क्या किया, अभी sch.ae किया, तो यहाँ पे मुझे कोई एड्स नहीं दिख रही है, कोई ऐड नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, मुझे डायरेक्टली जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के वेबसाइट दिख रहा है। जैसे ये प्राइम स्कूल दिख रहा है, ये अमेरिकन कम्युनिटी स्कूल दिख रहा है, अल मवाकिब स्कूल दिख रहा है, एमरेट्स नेशनल स्कूल दिख रहा है, ऑस्कर्ड स्कूल दुबई दिख रहा है, पाकिस्तानी स्कूल अजमन दिख रहा है, सिटी स्कूल दुबई दिख रहा है। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे पास होते हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से आपके साथ शेयर करूँ। आप जाइए इसके अंदर जाइए, इसके अंदर जाने के बाद मैंने अभी ये पाकिस्तानी स्कूल अजमन ओपन किया है, आपने करियर में जाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था आपको इतने सारे पोस्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इनका स्कूल में कौन सी वैकेंसीज है, आप खुद देख सकती हो सामने अभी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी इनके पास पोस्ट खाली है, सुपरिटेंडेंट के है, मेल सेक्शन हेड के है, सेक्शन हेड सीनियर गर्ल्स के है, फीमेल सेक्शन हेड जूनियर सेक्शन के है, HR असिस्टेंट के पोस्ट इनके पास है। आपको अगर अरेबिक आती है, आप क्वालिफाइड हो, तो आप अरेबिक टीचर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकती हो ऑनलाइन, ठीक है। टीचर के है, टीचर असिस्टेंट के है, PTI मतलब PT टीचर जो होते हैं उनके भी इनके पास पोस्ट खाली है, क्लास टीचर के पोस्ट है, बस अटेंडेंट है। तो इस तरीके से एक आसान तरीका है, ठीक है। बस आपने ये करना है दोस्तों कि आपने कभी भी ये करना है कि आपका CV अच्छा होना चाहिए और आपका सही जगह पे CV जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, psa.sch.ae। इस तरीके से हज़ारों स्कूल्स है UAE में, आप हज़ारों स्कूल में आपके हज़ारों टाइम जो है आपके CV आप भेज सकते हो, और कहीं ना कहीं से तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर नहीं रिप्लाई आ रहा है तो आप ये सोच के रखो कि आपको कहीं ना कहीं आपके CV में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको शायद ये वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपको बहुत सारे और वीडियो देखने हैं तो टेक गुरु दुबई आप सर्च कर सकते हो, टेक गुरु दुबई, और YouTube चैनल पे अगर जाती हो टेक गुरु दुबई के आप, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले से ही बना के रखे हैं दोस्तों, बहुत सारे, तकरीबन 450 से ऊपर वीडियोस बने हैं। स्कूल जॉब पर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप नीचे इस तरीके से अगर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर टॉपिक पे मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, ठीक है। आपका कमेंट का इंतज़ार मैं ज़रूर करूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। कैसे लगी दोस्तों वीडियो आपको? होपफुली बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो वीडियो कभी भी स्किप नहीं करनी है, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे लगता है किसी को पता भी नहीं होते। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और उस ट्रिक के बेस पर मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत टाइम निकाल कर निकालता हूँ आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ मैं, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसे लगा। आपको इस तरीके से लग रहा है कि और कुछ वीडियो मैं बनाऊँ, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।